जय जगन्नाथ। आज है महारथ यात्रा। ये कोई सामान्य रथ यात्रा नहीं, ये है श्रद्धा और विश्वास का महाउत्सव। हर साल हम ये पूरी पे मनाते हैं। जगन्नाथ यानी जगत के नाथ, लॉर्ड श्री कृष्ण भी बोल सकते हैं उनको। एंड दिस इज द मैग्निफिसेंट जर्नी ऑफ गॉड्स एंड लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स विच इज सिबलिंग्स टेक दिस ईयरली समर वेकेशन इन थ्री बिग चैरियट्स। चैरियट्स यानी रथ। सो दोस्तों, मेरे साथ वीडियो पे अंत तक रहे, क्योंकि मैं वीडियो पे कुछ आपको जगन्नाथ के बारे में बताने जा रहा हूँ, ताकि आप लोग को थोड़ा सा मालूम चले इसी प्रभु जगन्नाथ जी कौन थे और उनका ये आकार कैसे हुआ। धन्यवाद। हरे कृष्ण। जन्म मृत्यु यौवन सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र, इस संसार के जीवन मृत्यु चक्र में सदा सर्वदा वो ही विद्यमान है, वो है जगत के नाथ श्री श्री जगन्नाथ। कहा जाता है कि मध्य भारत में एक राजा रहते थे, उनका नाम था राजा इंद्रद्युम्न। उनका राजधानी का नाम था अवंत और व्यय भगवान श्री हरि विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और हमेशा भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन के इच्छुक रहते थे। तभी एक बार एक ऋषि उनके महल पर घूमते हुए आए और कहने लगे, राजन उड़ीसा में भगवान श्री हरि विष्णु के भव्य रूप भगवान श्री नील माधव को पूजा जाता है, लेकिन वो जगह उड़ीसा के कौन से हिस्से में है वो आपको पता लगाना पड़ेगा। ये बात सुनते ही राजा इंद्रद्युम्न अत्यंत आनंदित हो गए और तुरंत महल के मुख्य पुजारी के भाई विद्यापति कि वे उड़ीसा जाकर नील माधव की खोज करें। राजा के आदेश अनुसार विद्यापति उड़ीसा भ्रमण करने निकल पड़े। बड़ी ही लंबी यात्रा के बाद जब विद्यापति उड़ीसा पहुंचे, तब उन्हें कुछ गुप्तचोरों के माध्यम से पता चलता है कि सबडो के मुखिया विश्वबासु कोई गुप्त से गुहा पे नीलो माधव के पूजा करते हैं। ये बात सुनते ही विद्यापति विश्वबासु के सामने विनती करने लगे कि मैं उन्हें देव पूजा के स्थान दिखाओ, लेकिन कबीले के सरदार ने साफ साफ इनकार कर दिया। विद्यापति उस गांव पे कुछ दिन के लिए रहने लगे। कुछ ही दिनों बाद उन्हें विश्वबासु की बेटी ललिता से प्यार हो गया और दोनों ने शादी भी कर ली। शादी के कुछ ही दिन बाद विद्यापति ने अपने पत्नी को प्रभु नीलमाधव के सिर्फ एक झलक दिखाने के लिए अपने पिता को मनाने के लिए कहा। अब बेटी के जिद को देखते हुए आखिर विश्वबासु भी मान गए, लेकिन एक शर्त पर कि विद्यापति के आंखों पे पट्टी बांध कर लिया जाएगा। पर विद्यापति भी बड़े चालाकी से अपने साथ कुछ सरसों के दाने ले गए और गुप्त गुफा पहुंचने तक वो रास्ते पे वे सरसों के दाने डालते गए। गुप्त गुफा में पहुंचने के बाद जब विद्यापति ने आंखों से पट्टी निकालकर नील माधव की दिव्य छवि को देखा, तब वे उन्हें देखते ही रह गए। गुप्त गुफा से लौटकर विद्यापति ने राजा को सब कुछ बताया। राजा ने भी अपने प्यारे भगवान के दर्शन के लिए तुरंत महल से प्रस्थान करने का सोचा, लेकिन राजा इंद्रद्युम्न विद्यापति के साथ जब गुप्त गुफा में पहुंचे, तब उन्हें वहां जाकर कुछ नहीं दिखा। राजा निराश होकर महल पर लौट आए और उसी रात को उन्हें स्वप्न में जैसे देवलोक से कोई संदेश आया था कि वे पुरी जाए और उन्हें समुद्र में तैरता हुआ एक लकड़ी का दारू मिलेगा, जिसे उन्हें निकालकर महल लाना था। राजा ने अपने इस संदेश का पालन किया और पुरी के समुद्र के तट में से सच में एक लकड़ी का तान्हा तैरते हुए दिखा, लेकिन राजा के सेवकों के लाख प्रयत्न करने पर भी कोई भी उसे निकाल नहीं पाया। अंत में कबीले के सरदार विश्वबासु के सहायता से दारू को महल पर लाया गया, परंतु उस लकड़ी के दारू में से कोई भी कारीगर नील माधव के छवि को तराश नहीं पाया। कहते हैं कि जब इस काम को करना नामुमकिन हो गया था, तब देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा ने बूढ़े के रूप में आकर राजा को भरोसा दिलाया कि वे ये मूर्ति निर्माण कर सकते हैं, पर कुछ शर्तों पर, कि वे भगवान की मूर्ति को 21 दिन में बनाएंगे और वो अकेले काम करेंगे और उनके काम में कोई भी बाधा नहीं डालेगा। राजा ने ये शर्त मान ली। लोगों ने 15 दिन तक सिर्फ छेनी, हथौड़ा और आड़ी की आवाज़ सुनी,
लेकिन 15 दिन बाद जब रानी को कोई भी शब्द सुनाई नहीं दिया तब वे घबरा गए और रानी को लगा कि शायद बूढ़ा कारीगर अंदर भूख प्यास से मर गया होगा। इसलिए रानी गुंडीचा ने दरवाजा खोलने की जिद की राजा के सामने। आखिरकार दरवाजा खोला गया। राजा ने देखा कि कारीगर जैसे गायब हो गया और अपने पीछे बना 3 मूर्ति छोड़ गया, जो 3 मूर्ति आज प्रभु श्री जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और छोटी बहन सुभद्रा के रूप में पुरी के श्री मंदिर में पूजे जाते हैं। जय जगन्नाथ।